पपीते के पत्ते हमारे सेहत के लिए काफी लाभदायक है, जो डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया। देखिए रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? डॉक्टर हेमंत शर्मा। सर कौन सी जगह है ये? ऊंचा गाँव बल्लभ है। सर बरसात का मौसम है। हाँ जी। और इस समय जो बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है, ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हैं, तो पपीते के पत्ते का क्या महत्व है? देखो, ये बरसाती सीजन में बैक्टीरिया ज्यादा पनपता है गंदगी की वजह से, जो है ना, इसलिए अपने को पानी उबाल के रखें, उसको पिए। पपीते पत्ते का जो आप कह रहे हैं उसका बड़ा रोल है। आप उसको पत्ते को पीस के उसका रस निकाल के वो प्लेटलेट को बढ़ाने में भी उपयोगी है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी उपयोगी है। कोशिश करें, बाकी तो आप अच्छा हेल्दी खाना खाएं, बाहर का फूड ज़्यादा ना लें। हाँ, उनसे बचें। सर बच्चों को भी पपीते का रस दे सकते हैं अगर बच्चा बीमार है तो? हाँ, दे सकते हैं। वैसा उसका कोई इतना नुकसान बच्चों में नहीं होता है, वो तो सभी के लिए आयुर्वेदिक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कोई इसमें कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं। सर विटामिन सी वगैरह होता है इसमें? क्या होता है? नहीं, विटामिन सी तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कि इसका जो मिनरल्स हैं इसके अंदर वो काफ़ी अच्छे हैं, वो कोई भी ले सकता है। और मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार है वही ले, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। बिना बीमारी के भी आप कभी ऐसा नहीं है कि यूज कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते हैं, आदमी सुबह सुबह जब दांत जाता है घूमने, दांतन करता है तो वो भी चाप लेता है, तो वो कोई नुकसान नहीं करते, उसका हमेशा फायदा, तो ऐसे कोई उनका कोई फायदा नहीं, मतलब नुकसान नहीं है। पत्ते अगर वैसे भी लेते रहे तो वो फायदेमंद है? हाँ, फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है उसका, कोई ऐसा कोई बैड साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।